वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी सारे लोग सुबह को उठते हैं तो 3-4 गिलास पानी को पीते हैं और प्रतिदिन 8 से 10 लीटर तक पानी पी जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए और ज़्यादा पानी पीने से हमारे शरीर में क्या नुकसान होते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक ज़्यादा पानी को पीते रहने से उनके शरीर में काफ़ी भयंकर से भयंकर नुकसान होते हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा पानी को पीने से हमारे शरीर में क्या नुकसान होते हैं। तो इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। भाइयों, ज़्यादा पानी को पीने से सिर में दर्द का होना, हाई ब्लड प्रेशर का हो जाना, उल्टी का आना या जी का मिचलाना, थकान का होना, उलझन का महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, मांसपेशियों में कमजोरी व ऐंठन का होना, मिर्गी के दौरों का पड़ना, मस्तिष्क का क्षतिग्रस्त हो जाना, बेहोशी का आ जाना, कोमा में चला जाना, और भाइयों, ज़्यादा पानी को पीने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो भाइयों, ज़्यादा पानी को पीने से हमारे शरीर में ये सभी भयंकर नुकसान होते हैं। तो भाइयों, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। लेकिन भाइयों, अगर आपका ज़्यादा गर्मी का काम नहीं है, आपका बैठे का काम है और आपको प्यास नहीं लगती है, तो आप 2.5 लीटर से थोड़ा कम पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आपका गर्मी का काम है या मेहनत का काम है और आपको प्यास ज़्यादा लगती है, तो आप 2.5 लीटर से ज़्यादा पानी पी सकते हैं। भाई, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। नमस्कार भाई।